हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे थोड़े से आलू बचे हुए थे ये, और जो है उसके मैं 3 पराठे बना दूंगी। एक एक पराठे बच्चे ले लेंगे, तो तीनों के लिए पराठे बना दूंगी, 3 पराठे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेते हैं। और तो सभी को नाश्ता करा देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए, मैं इसकी वीडियो बना रही थी और इसको ज़रा सा भी पता नहीं चला कि मेरी वीडियो भी बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, चोरी चोरी जलेबी खाई जा रही है, पूरा लिफाफा लेके खड़ी है और अभी काना को दिखा दिखा के जलेबी खा रही थी, है ना। देखो, सुबह अभी नहा कर आई है और आते ही जलेबी खाना स्टार्ट कर दिया इसने, मॉर्निंग में ही। देखो बासी जलेबी। और हमारा बेटा देखो काम कर रहा, बोतलें भर रहा है, दिख रहे हो। और हमारा देखो बिस्तर कैसा हो, पूरा गंदा, मतलब सारा चेंज करना है, तो चेंज करने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी बना लेती साथ के साथ। और हमारे कन्हैया देखो, कूलर से इनको हटना ही नहीं होता है, ये हर हमेशा कूलर के आगे रहना पसंद करते हैं। रात को तो चलो मैं इनको मंदिर में लिटा देती हूँ पंखा ऑन करके, लेकिन दिन भर ही यहीं पे रहते हैं और कभी कभी सो भी जाते हैं यहीं पे रात को भी, लेकिन अधिकतर वे सोते हैं मंदिर में अपने। दिन में सिर्फ बिठा देती हूँ कूलर के आगे। और इसकी तो जलेबी ख़त्म हो गई, जलेबी वो ले गया, अभी और भी है ना पन्नी में, अभी एक लिफाफा भरा हुआ है ना। मज़ा आ गया। देखो जलेबी खा के मज़ा आ गया इसको। गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे 9 और सभी का नाश्ता हो चुका है। बेटी नहा कर आई, वो जलेबियाँ खाने में लगी है, तो सबका नाश्ता वगैरह हो चुका है। और बस अब क्लीनिंग करने जा रही थी मैं, घर की सफाई करनी है। और रात को सफाई करके भी सोती हूँ, फिर भी सुबह नाश्ता करते हैं तो गंदगी फैला देते हैं लोग। तो चल रही हूँ, अब सफाई करती हूँ और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इस मॉर्निंग से। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग अगर न्यू हैं, पहली बार वीडियो को वॉच करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो। और आप लोग शेयर करोगे तो मेरा कुछ हो पाएगा। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो वॉच कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बाय बाय, थोड़ी देर मिलते हैं। तो बस मॉर्निंग के काम स्टार्ट कर दिए हैं, नाश्ता सभी का हुआ ही है। बस यहाँ पे बेटा जो है भरने लग गया है कूलर में पानी, क्योंकि इसका काम है पानी भरना। जब तक इसकी छुट्टियाँ हैं इसका काम होता है पानी भरना, और उसके बाद कूलर में पानी भर चुका है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करी टीवी की, तो यहाँ पे LED थोड़ी सी गंदी हो रखी थी, क्योंकि डस्ट इतना ज़्यादा, तूफान आता है ना कभी रात में कभी दिन में आ ही जाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है 2 दिन से, तो बहुत ही ज़्यादा भयानक वाली गर्मी हो रही है कि सांस तक नहीं लिया जा रहा है आजकल, 2-3 दिन हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, LED को साफ़ कर दूंगी अच्छे से क्लीन। तो बेटी कह रही है कि अगर पानी इस पे डाला हुआ है, अगर ख़राब हो गई LED तो तुम्हारा ही जो है नाम जाएगा और फिर मुझे मत बोलना कि TV ख़राब हो गई। तो उसके बाद TV साफ़ करने के बाद आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ मैं अच्छे से, तो सारे मैट वगैरह बाहर डाल दूँगी और उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू। तो झाड़ू मैं लगा देती हूँ, उसके बाद बेटी से ही पोछा करवाऊँगी, क्योंकि इसको भी पोछा लगाना सीखना चाहिए थोड़ा बहुत। जब तक छुट्टियाँ पड़ी हैं तब तक काम सीख ले थोड़ा थोड़ा, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो ये काम कर सके। ऐसा ना हो कि जब मेरी तबीयत ख़राब हो तब भी मुझे उठ के काम करना पड़े, तो इसलिए मैं बेटी को और बेटे को काम सिखाती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को सिखाती हूँ, मैं दोनों को ही सिखाती हूँ, बेटा हो या बेटी, काम करना सबको आना चाहिए। कब कौन कहाँ पर रह जाए, क्या है, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए काम करने की, तो इसीलिए जो है सबको काम करना आना चाहिए, बेटी को भी और बेटे को भी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं झाड़ू लगा दूंगी और बेटी से बर्तन धुलवा लिए थे, तो बर्तन उसने धो दिए थे, थोड़े से थे नाश्ते के बर्तन सिर्फ, तो उसने बर्तन धो दिए थे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद जो है मैं कपड़े धोऊँगी और जो है बेटी
जो है झाड़ू लगा यहाँ पे पोछा लगा लेगी तो बस काम हो जाएगा उसके बाद फटाफट से। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी अभी काम करके हटी हूँ मैं और 10:30 हो चुके हैं। और जैसे काम करके अंदर आई मैं पोछा वोछा लगा के लाइट चली गई, तो देख सकते हो मैं पसीने से बिल्कुल गीली हो चुकी हूँ काम करते करते। और अब लाइट चली गई और सांस लिया ही नहीं जा रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सांस भी नहीं लिया जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पसीने देख सकते हो कितना पसीना है। और ये देखो ये भी बैठी हुई है, कितनी गर्मी हो रही है। और बाहर बात आपने तो बाहर भी हवा नहीं चल रही है, तो चल रही मैं बाहर ही बैठूँगी, हवा तो वैसे भी नहीं चल रही है। तो देखते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बाहर भी उमस वाली गर्मी होने लगी है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा। तो चलिए बाहर। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी सूट और सलवार की, तो सूट और सलवार की कटिंग कर चुकी हूँ और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था कटिंग करते समय तो मैंने सलवार काट लिया। और ये रहा सूट, तो इसकी भी कटिंग कर दूंगी। वैसे ये बेटी का सूट था लेकिन बेटी को सूट पहनना नहीं है, उसके पास कम से कम 20 से 25 सूट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं ये सूट अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि उसके पास इतने सूट है वो पहनती तो है नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं दाल और चावल बना लूँगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, शाम के टाइम बैठना होता है कमरे में, हस्बैंड आ जाते हैं चाय पानी करते तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए खाना मैं पहले ही बना ले रही हूँ। और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मुझे, तो उस तबीयत ख़राब हो जाता है उससे पहले मैं जो है यहाँ पे खाना बना लूँगी, उसके बाद जाऊँगी गार्डन, वहाँ पे आराम करूँगी। गार्डन में हवा लगती है थोड़ी, तो देख सकते हो यहाँ पे दाल चावल बन गए हैं और पसीना आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख लो किचन में 5 मिनट खड़े हो जाओ पसीना इतना ज़्यादा आने लग जाता है, कूलर के सामने कब तक बैठे रहेंगे। तो देख सकते हो कूलर लगा हुआ है लेकिन कूलर के सामने बैठे हो तब ठीक है, नहीं तो गर्मी लगती है। तो चल रही हूँ बैठ जाती हूँ यहाँ पर, और कान्हा जी भी हवा ले रहे हैं, यहाँ पे बैठे रहेंगे सारा दिन, बैठे रहते हैं यहीं पे, आराम भी करते हैं दोपहर को। तो उसके बाद बर्तन धो लूँगी खाना बनाने के बाद। तो ये देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धुल गए हैं मेरे और पूजा के भी बर्तन मैं धो चुकी हूँ। और इसके बाद ये टब मैं साफ़ करके रख दूँगी अच्छे से, ताकि मुझे और भी मतलब जब एक बार बर्तन धोने के बाद इसको साफ़ करके रख देती हूँ तो अच्छा रहता है, मक्खी वगैरह नहीं लगती है और साफ़ भी दिखना चाहिए हर एक चीज़। तो इसीलिए मेरा ये करना रोज़ का काम होता है, धो लेती हूँ। उसके बाद बोतलें भर के रख दूँगी जो बोतलें खाली हुई है दिन में। तो ये देखिए बेटा तो चला गया क्रिकेट खेलने के लिए, और जो है उसके बाद मैं जो बोतलें हैं भर के लगा दूँगी फ्रिज में ताकि पानी सारा ठंडा रहे, क्योंकि अगर हस्बैंड को ठंडा पानी नहीं मिलता तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो चलिए गार्डन में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं गार्डन में, मतलब हो रहे 7 बजने वाले होंगे या 6:30 हो रहे होंगे अभी, और गार्डन में आ गई हूँ। और गार्डन में देख सकते हो यहाँ पे बाबू बैठे हुए हैं मेरे पास ही, और यहाँ पे बैठ के बस रील्स वगैरह थोड़ा सा बना रहे हैं, पसीना देख सकते हो और हवा चलने का नाम ही नहीं ले रही है, देख सकते हो हवा नहीं चल रही है अभी। और अभी मौसम थोड़ा सा बादल वगैरह हो रखा है यहाँ पर, तो अभी अभी बादल हुआ है, शायद हो सकता है बारिश भी हो जाए और थोड़ा सा राहत भी मिल जाए हम लोगों को। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, कमरे में तो मतलब बैठा ही नहीं जा रहा, कूलर लगा हुआ है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस इतना ज़्यादा हो रहा है कि पता नहीं सकते कितनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे। मतलब कूलर के आगे से हटो तो पसीना ऐसे निकलता है जैसे कोई क्या पता है बारिश में जैसे गीले हो गए हो हम लोग। तो यहाँ पे भी बाबू बैठे हुए हैं, ये देखो बाबू सब को राधे राधे बोल दो, राधे राधे। और सभी हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना कौन कौन हमसे प्यार करता है, ठीक है। और बाबू को भी बहुत गर्मी लगती है इस टाइम पे, इतने ज़्यादा गर्मी लगती है कि बाबू अच्छे से कपड़े कुपड़े भी कुछ भी नहीं पहनते, बस ऐसे ही जो कॉटन के कपड़े हैं। और बाबू के कपड़े और मेरे कपड़े मैचिंग के हैं क्योंकि हम मेरे कपड़ों से ही बना हुआ था, तो मैंने अपनी बाजू नहीं बनाई थी, बाजू के लिए कपड़ा भी नहीं बचा था इसमें, इतना कम कपड़ा था ये, और इसमें इतना कम कपड़ा था कि ये सूट बनाने के लिए कपड़ा नहीं बचा था इसमें, बहुत ही थोड़ा कपड़ा था, तो मैंने इसलिए इसमें प्लाजो और थोड़ा सा ये फ्रॉक टाइप का छोटा सा बना लिया था कि गर्मी है गर्मियों में पहनने के काम आ जाएगा। तो इसमें से मैंने बाबू के लिए कपड़े भी बना दिए क्योंकि कॉटन का था, तो मैंने सोचा चलो बाबू के लिए भी बना देती हूँ इसमें की ड्रेस कॉटन की पहनने के लिए। और जो मैं कपड़े बनाती हूँ ना वो बाबू को बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छे से पहन लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती। और कॉटन प्योर कॉटन का होता है, बाहर से लो ना तो दो चार बार धो ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं कैसे कपड़े होते हैं 2-4 बार धोने से ही ख़राब हो जाते हैं और कपड़े धोने पड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और बादल हो गया है, अब देखते हैं हो सकता है बारिश हो, बेटी भी यहीं पे है तो बेटी
किसी से बातें करने में लगी हुई है, तो वो भी और पीछे देख सकते हो इतना अच्छा गार्डन है, लेकिन वही है ना गर्मी की वजह से बेहाल है, फिर भी आके बैठ जाते हैं। और बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। और खाना मैंने बना लिया है, खाना वाना बनाने के बाद ही मैं आई हूँ, क्योंकि यहाँ से जाओ फिर से नहा धोकर फिर गर्मी में खाना बनाओ, इससे अच्छा मैंने पहले ही खाना बना लिया है। ठीक है, और चलिए व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं या आगे बढ़ाते हैं देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और ज़्यादा तो देख सकते हो यहाँ पे आंधी तूफान शुरू हो चुका है और बारिश होने की मतलब संभावना है, लेकिन बारिश होती नहीं है, तो देखते हैं रात को बारिश होती है नहीं। तो शाम को तो बारिश नहीं हुई थी, तो चलिए बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, यही बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। देखिए फ्रेंड्स, बारिश होने लगी और बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही है, लेकिन आप लोग सोचे होंगे ये बारिश ऊपर से क्यों आई, तो ये देखिए ये पाइप वाली बारिश हो रही है और मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई, तो हमने पाइप से ही बारिश कर लिया है।